हेलो दोस्तों, मैं डेचू से चल के और जैसमेल के रास्ते में आ चुका हूँ और आज मैं महादेवा होटल पे रुक के मैंने खाना खाया। और आइए भाई से कुछ जानने का प्रयास करते हैं। हाँ भाई, कुछ बताएंगे अपने होटल के बारे में? यहाँ पर मारवाड़ी खाना मिलता है जी। मारवाड़ी खाना, बाजरे की रोटी जी, बाजरे की रोटी, केर सांगरी जी, साबुड़ी की सब्जी जी, बाजरे का हलवा जी, बाकी सारी सब्जियाँ, थाली सिस्टम भी मिलता है जिसमें केर सांगरी वगैरह सब 100 रुपये में फुल ताप के जी जी, 500 सब्जियाँ आती है जी। बहुत अच्छा है, जोधपुर जैसे मेरे बॉर्डर पर आया हुआ है जी जी। तो दोस्तों फ्री व्यवस्था है जी जी, खाने का पैसा लगता है, रुकने की फ्री व्यवस्था जी। तो यहाँ अभी भी दोस्तों सुने आपने, यहाँ खाने की केवल पैसा लगेगा। अगर रात को आप आते हैं तो यहाँ आपको चारपाई मिल जाएगी सोने के लिए और यहाँ इनकी व्यवहार बहुत अच्छी है। तो और देख लीजिए, यही जैसलमेर की जो जा रहा है हाईवे है, क्योंकि हाईवे ये सिंगल हाईवे है और इस पर काफ़ी भीड़ रहती है। तो आप लोग जब भी आइए थोड़ा धीरे आइए और संभल के चलिए। और इनकी मैं आपको होटल को दिखा दूँ एक तरह से। और ये देखिए महादेवा होटल के नाम से ये फेमस है और ये जैसलमेर वाले रोड पे हाईवे पड़ता है, ठीक हाईवे के बगल में ही है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं डेजू से चल के रात को मैं पहुँचा था यहाँ, और यहाँ से टनौर माता का मंदिर अभी 190 किलोमीटर है लगभग। हमको कल शाम तक मैं दूरी कवर कर पाऊँगा। आज मेरी प्रयास रहेगी कि 100 किलोमीटर की दूरी में तय करूँ। तो आप सभी हमारी वीडियो पे आप लोग निरंतर बने रहिए और वीडियो का लुक उठाते रहिए ताकि आपको, हाँ लास्ट में कहना चाहूँगा आपसे, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपकी हर वीडियो को मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे।
और आज आपको मैं दिखा दूँ कि मैं कहाँ रुका था। तो आइए अब चलते हैं हम आपको। और दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि जो सामने आप चरपाई देख रहे होंगे जिसमें बैग पड़ा हुआ है, मैं उसी पर रात भर सोया था। और अंकल की बहुत बहुत मेहरबानी, अंकल ने मुझे रात को रुकने के लिए आसरा दिया, व्यवस्था किया। और बिल्कुल आप मेरे पीछे देख रहे होंगे पूरी रेगिस्तान है, और आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, ये चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। और यहाँ मारवाड़ में पड़ता है, मेवाड़ में पूरी आप पहाड़ देखेंगे और मारवाड़ में आप पूरी रेगिस्तान देखेंगे। ये चारों तरफ आपको घुमा के दिखाता, किधर भी देखेंगे आपको रेती रेत दिखाई देगी। और यही वो जगह है जहाँ हम रुके थे। देखिए आरओ का प्लांट भी है, और यह मेरे सामने धनु खड़ी है, आप देख सकते हैं मेरे धनु को। देखिए सामने मेरे धनु खड़ी है, आपको दिखा दो। तो अब आइए आगे चलते हैं, आपको आगे की फुटेज इसमें मिलेगा देखने के लिए। तब तक के लिए मेरे वीडियो पर बने रहें, और आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपको लेके चलूँगा वहाँ तक। से घूमते तो आराम से घूमते, कितने किलोमीटर सफर कर लेते हो? सामने दोस्तों आप देख रहे हो वो आर्मी बेस कैंप है, यहाँ ट्रेनिंग सेंटर है। और मैं जैसलमेर की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा हूँ, और यहाँ से तरलोन माता की मंदिर लगभग अभी 190 किलोमीटर है। पूरा ये आर्मी बेस कैंप है जितना आप चारों तरफ ही देख रहे हैं। और यही ये मेन हाईवे है जाने के लिए। भागू गांव के आसपास आ गया हूँ, वहाँ भैया से मुलाकात हुआ है। और भैया क्या बता रहे थे, कौन सी ट्रेवल साथ है? लकी टूर एंड ट्रेवल। कहाँ से कहाँ आप चलते हैं? हम ऑल इंडिया चलते हैं। ऑल इंडिया आप चलते हैं? अभी हमारा हर जगह जाते हैं, जो भी मतलब ट्रेकिंग जगह हो तो वहाँ आप जाते हैं? बिल्कुल जाते हैं। तो आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, आप जो ये उत्तराखंड की चार धाम चलती है, इसके लिए क्या प्राइस आप लेते होंगे? इसकी प्राइस तो सर हमारी कंपनी से पता चलता है लगभग समथिंग कर रहे हैं, तो फिर भी उसकी समथिंग ये कुछ अकॉर्डिंग होते हो गए ना। तो क्या मतलब लगभग लगभग हमारे व्यूअर पूछते हैं कि इस तरह का टूर अगर हो तो कम क्या मतलब प्राइस होता है? तो हमारी गाड़ी जाती है 300 की रनिंग देती है, 25 रुपए किलोमीटर चलते हैं। 25 रुपए किलोमीटर के हिसाब से आपकी पूरी ट्रेवल की होती है प्राइस? हाँ जी, दिन का 300 रनिंग देता है जी। तो दोस्तों इनकी एक पर्सन की होती है 25 रुपया किलोमीटर के हिसाब से। और अब तो जैसलमेर में हमारा टूरिस्ट का काम है जी। हाँ, जैसलमेर में की टूरिस्ट का काम है। तो आप भी आए इस रूट पे, तो इस रूट पे मतलब काफ़ी गाड़ियाँ चलती हैं। और आप कभी भी शाम को रात के टाइम अगर आए तो बहुत सावधानी से आइएगा, क्योंकि ये जंगल टाइप एरिया है। तो काफ़ी देर सावधानी चलने की प्रयास करिएगा। और भैया आपको मतलब
ये करके टूरिस्ट को मतलब आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फीलिंग होता है जी। और नए नए लोग मिलते हैं, हर स्टेट से मिलते हैं, फॉरेनर भी मिलते हैं, उनसे मुलाकात होती है, तो उनसे मिलकर हमको बहुत ही अच्छा लगता है जी। बिल्कुल। और आपको इस पर्यावरण की ओपिनियन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पर्यावरण, शिक्षा और योग के लिए कुछ कहना चाहेंगे? पर्यावरण के लिए, यहाँ पर्यावरण प्रेमी है हम सारे यहाँ के, राजस्थान के सारे भी, जैसलमेर के सबसे ज्यादा पर्यावरण प्रेमी। तो अभी भी ने भैया बताए कि ये भी पर्यावरण प्रेमी है और हमारा मिशन भी वही है, तो आइए हम लोग साथ मिलकर चलते हैं और इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं और भारत को ग्रीन भारत बनाते हैं, और जो पहले कहा जाता था सोने की चिड़िया, वो फिर से कहा जाए अपने भारत को सोने की चिड़िया। बिल्कुल है कि नहीं? बिल्कुल, सोने की चिड़िया भारत को पहले भी कहते थे और अब भी लोग कहेंगे सोने की चिड़िया। हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे, कुछ संदेश देना चाहेंगे? हाँ, उनको यही कहना चाहेंगे, सबसे ज्यादा पेड़ लगाओ और पेड़ बचाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी को बढ़ाओ। बात खुले में आपको बात दोस्तों आप देख रहे हैं ये जंगलों में कैंप बनाई गई है, जूम पे दिखाऊं मैं, और ये पूरी रेगिस्तान है, यहाँ केवल आपको सिर्फ पेड़ मिलेगा बबूर का। आप देखिए बिल्कुल चारों तरफ जिधर भी नज़र आप घुमाएंगे, बीच में एक आपको हाईवे मिलेगा और इधर चारों तरफ आपको दूर दूर तक सिर्फ रेगिस्तान, रेगिस्तान के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मारवाड़ में बस आपको यही देखने को मिलेगा, सिर्फ रेगिस्तान, और मेवाड़ में सिर्फ आपको पहाड़ देखने को मिलेगा। यहाँ देखिए बकरी चढ़ रही है, यहाँ घास तो है नहीं, यहीं बबूर के पत्ते खाती हैं सब बकरियाँ। और यहाँ भी देखिए यहाँ ज़्यादा मात्रा में बकरी हैं, और इसी के बीच आर्मी की बेस कैंप भी होती है, अभी पीछे बेस कैंप गया है जहाँ ट्रेनिंग सेंटर भी है। और यही हाईवे है और मैं चल रहा हूँ तरनोड माता के मंदिर, और वहाँ की भी आपको फुटेज दिखाने के मैं प्रयास करूँगा। और आप बिल्कुल देखिए सामने से मैं साइकिल राइड करते हुए, और काफ़ी धूप हुआ है भाई, हालत ख़राब हो जाती है। लोग कहते हैं कि अरे बहुत आसान है राइड करना, तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, कोई मेहनत नहीं है, लेकिन कभी तुम राइड पर निकल के देखो। और यहाँ से जैसलमेर है 54 किलोमीटर, और बाड़मेर में है 188 किलोमीटर। तो भाई ये अभी भी सफ़र अपना लगभग गुजरात इंटर करते करते अभी लगभग हमें 800 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, तो लगभग लगभग मान के चलिए 10 दिन अभी लगेगा गुजरात पहुंचने में मुझे। और ये चारों तरफ को दिखा दूँ, लोग नज़र देख सकते हैं आप, आपको मैं दिखा दूँ साइकिल के साथ, काफ़ी थकान महसूस हो जाती है। तो इधर कभी मारवाड़ और साइड रेगिस्तान में आपको आना है तो प्लीज़ आप अपने साथ पानी की कैरी करके और ग्लूकोज का कैरी करके ज़रूर आइएगा, अगर आपको सांस लेने में दिक्कत हो तो, क्योंकि
ये बहुत गर्म इलाका है और यहाँ सर्दी के नाम कोई चीज़ नहीं है। सर्दी बहुत कम पड़ती है, लेकिन पड़ती है तो दबा के पड़ती है। सकते हैं इसे बोरी में लकड़ियाँ जलाकर कोयले के रूप में भरा गया है और ऐसे ही लोग हरामापन करते हैं पर्यावरण को खराब करके। तो ऐसे लोगों को ही रोकने के लिए हम लोग निकले हैं साइकिल यात्रा से और ऐसे हरे भरे पेड़ों को जलाकर कोयला बनाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर इस चीज़ को रोकने को प्रयास करें। और इस समय देख रहे हैं हम जैसलमेर के हाईवे पे हैं और आगे से आपको नज़र आ रहा होगा आर्मी की गाड़ियाँ आ रही हैं। सुनसान रेगिस्तान में एक मंदिर बनाया गया है और बिल्कुल ये खूबसूरत है। उसका था दोस्तों वैसा यहाँ पर कुछ नहीं है, सिंपल सा एक कमरा बनाया गया है, उसमें ऐसे धूप अगरबत्ती किया गया है और ये चारों तरफ से देख सकते हैं आप रेगिस्तान ही रेगिस्तान है आपको मिलेगा। पवन चक्की हम लोग सुनते हैं यहाँ, आप सामने देख पा रहे हैं जो पवन चक्की चल रही है। और मैं आज रामगढ़ हॉस्पिटल में आया हूँ, थोड़ी खांसी हो गई थी जिसकी वजह से टेबलेट लेना था, लेकिन यहाँ समय पाबंदी है, ये 12 बजे तक ही चालू रहता है। पूरी भीड़ बकरियाँ यहाँ पानी पी रही हैं, आपको दिखा दे पूरी तरह से। ये देखिए यहाँ एक बनाया गया बहुत बड़ा सा टंकी जिसमें सारे बकरियाँ भेड़ जितने पशु हैं, पशु ही छोड़िए इंसान भी आते हैं तो वहीं पानी पीते हैं वहाँ से। ये देखिए जहाँ पानी गिर रहा है आप देख रहे होंगे, जब देख पा रहे होंगे जहाँ पानी गिर रहा है, ये यहाँ से पानी भर के पी सकते हैं और इसमें से पानी भर के आप नहा भी सकते हैं, बिल्कुल ये शुद्ध पानी है आप देख पा रहे होंगे। ये बहुत बड़ी एक टंकी बनाई गई है, ये देखिए, और हमारे पीछे देख रहे होंगे ये भी बहुत बड़ी, इसमें मोटर लगा है, भेड़ बकरियाँ पानी पी रही है। और यही तनवेट माता के मंदिर जाने का ये अपना, देखिए उधर सामने हाईवे है
और इधर देखिए सारे बकरियाँ, पूरे रेगिस्तान है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। देखिए कितनी भीड़ बकरी है, सारे लोग पानी पीने आए हैं, दाना अपना घास उस चर के आके यहाँ पानी पी रहे हैं। और ये पूरी रेगिस्तान है, आप देख सकते हैं जितनी जब नज़र जहाँ तक जाएगा पूरी आपको रेती रेती दिखाई देगी। यहाँ पर आपको फिर से एक बार दिखा दें पूरी बकरियों को, देखिए भीड़ बकरियाँ। और यही जो रास्ता आप देखें, आपको दिखा दें, ये आप जो हाईवे देख रहे हैं, ये हाईवे सीधे तनवेंट माता का मंदिर जाता है जहाँ अपनी लड़ाई हुई थी।